बिहार के निलंबित आईपीएस ऑफिसर आदित्य कुमार ने आखिरकार सरेंडर कर दिया है। वो तकरीबन एक साल से फरार थे। सरेंडर का फैसला तब किया जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई। मंगलवार 5 दिसंबर को आदित्य कुमार पटना के एक कोर्ट में पहुंचे और आत्मसमर्पण कर दिया। आदित्य कुमार पर फेक व्हाट्सएप प्रोफाइल बनाने का गंभीर आरोप है, लेकिन ये मामला इतना बड़ा कैसे बन गया और बात उनके जेल जाने तक कैसे पहुंच गई, आइए सब कुछ जानते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपीएस आदित्य कुमार पर आरोप है कि उन्होंने अपने खिलाफ आधिकारिक कार्रवाई को रुकवाने के लिए पटना हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस संजय करोल का फर्जी व्हाट्सएप प्रोफाइल बनाया। संजय करोल अब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस है। ये मामला जब सामने आया तो आदित्य कुमार ने पटना के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सारिका के समक्ष जमानत याचिका दायर की। ये याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 22 नवंबर को उनकी याचिका पर जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह, अनिरुद्ध बोस और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी की खंडपीठ ने सुनवाई की। पीठ ने कहा कि आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार और दो अन्य न्यायिक अधिकारियों से जुड़े इस बड़े मुद्दे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। पीठ ने आदित्य कुमार को 2 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। आदेश में कहा गया, इस अदालत की राय है कि याचिकाकर्ता कथित अपराधों की गंभीरता और स्पष्ट रूप से सहयोग नहीं करने के कारण अग्रिम जमानत का लाभ दिए जाने के हकदार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के करीब 2 हफ्ते बाद यानी कि मंगलवार को आईपीएस आदित्य कुमार ने पटना के सिविल कोर्ट में शाम 4 बजे सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद निलंबित आईपीएस को कड़ी सुरक्षा के बीच बेउरो जेल भेज दिया गया। आदित्य कुमार को जेल के विशेष वार्ड में रखा गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। शीर्ष अदालत ने बिहार पुलिस की आर्थिक कार्यालय विंग को यह आदेश भी दिया है कि वो इस मामले की पूरी केस डायरी सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में जमा करे। आपको बता दें, बिहार कैडर के 2011 बैच के आईपीएस ऑफिसर आदित्य कुमार पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर बिहार के तत्कालीन डीजीपी एसके सिंगल को धोखा देने की कोशिश की थी। इस कथित फर्जी व्हाट्सएप प्रोफाइल में तस्वीर लगी थी पटना हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की। आरोप है कि इस मामले के एक सह अभियुक्त ने इस फर्जी प्रोफाइल के जरिए एसके सिंगल से संपर्क किया था और खुद को जस्टिस संजय करोल बताते हुए आदित्य कुमार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई रद्द कराने का दबाव डाला था। दरअसल तब आदित्य कुमार पर शराब माफियाओं के खिलाफ लापरवाही बरतने का आरोप लगा था। इसे लेकर अक्टूबर 2022 को बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने गया जिले में उनके खिलाफ एक मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद बिहार पुलिस मुख्यालय ने आदित्य कुमार को निलंबित कर दिया था।